This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। रेलवे ने लेडीज कोटे के सीट अलॉटमेंट में किया बदलाव। रिजर्वेशन में महिला पैसेंजर्स को मिलेगा फायदा। रेलवे ने रिजर्वेशन में महिलाओं को दिए जाने वाले कोटे के नियम में बदलाव किया है। अब चार्ट तैयार करते वक्त महिला कोटे की खाली सीटें पहले वेटिंग लिस्ट में शामिल महिलाओं को अलॉट की जाएगी। इसके बाद भी ट्रेन में सीटें खाली रह जाती है तो सीनियर सिटीजन को अलॉट की जाएगी। चार्ट बनने के बाद भी अगर सीटें रहती है तो टीटी का अलॉटमेंट ट्रेन में करेगा। इसमें भी महिलाओं को सबसे पहले रखा गया है। रेलवे बोर्ड ने 15 फरवरी को सभी कॉमर्शियल्स मैनेजर्स को नया सर्कुलर जारी किया। फिलहाल क्या नियम है? अभी चार्ट बनने तक महिला कोटा बुकिंग के लिए खुला रहता है। चार्ट तैयार होते वक्त इस कोटे की खाली सीटें वेटिंग लिस्ट के पैसेंजर्स को दी जाती है। कंबाइंड कोटा के तहत स्लीपर कोच में सीनियर सिटीजन 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिला या प्रेग्नेंट महिला पैसेंजर के लिए 6 लोअर बर्थ रिजर्व होती है। वहीं AC 3 और AC 2 में 3 बर्थ होती है। इसके अलावा राजधानी, दुरंतो या फुली AC ट्रेन के AC 3 कोच में कोटे के तहत 4 लोअर बर्थ रिजर्व है।